हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 18 अमेजिंग न्यूली लॉन्च किचन गैजेट, जो कि हमारे किचन में काफी यूजफुल रहेंगे, जिसे आप स्क्रीन पर आ रहे व्यू प्रोडक्ट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गार्लिक एंड जिंजर ग्रेटर। दोस्तों, हमारा पहला गैजेट है ये छोटा सा ग्रेटर, जिसमें आप गार्लिक और जिंजर को ग्रेट कर सकते हैं और इसी को डायरेक्ट गर्म पानी में डाल सकते हैं, जो कि एक इन्फ्यूजर की तरह काम करता है, और आप जिंजर वाटर या लेमन वाटर का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा आप इससे जिंजर एंड गार्लिक को छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं, जो कि बेहद ही यूजफुल रहेगा हमारे किचन में, जिसे आप 250 रुपीज में खरीद सकते हैं। स्पाइरल कटर। दोस्तों, रेडिश, कैरेट जैसी वेजिटेबल्स को स्पाइरल शेप में कट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इस गैजेट का। बस इसमें वेजिटेबल्स को डालकर उसे पेंसिल की तरह शार्प करना है और वेजिटेबल्स स्पाइरल शेप में कट हो जाएगी, जिसे आप अपनी डिशेज में या सैलेड में डेकोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप इसे 300 रुपीज में खरीद सकते हैं। ब्रेडिंग सेट। दोस्तों, वेजिटेबल्स या फूड आइटम्स में कोटिंग करने के लिए मैं लेकर आ गया हूँ कमाल का गैजेट। बस आपको बैटर को बाउल में रख लेना है और वेजिटेबल्स को इसके नेट के ऊपर रख लेना है और इसकी लिड को लगाकर उसे शेक करना है, जिससे बैटर वेजिटेबल्स में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप इसमें मसालों को भी ऐड कर सकते हैं और इसे शेक करके उन्हें अच्छे से मिक्स कर सकते हैं और फूड आइटम्स में अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। सुपर डाइसर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट गैजेट है ये अमेजिंग डाइसर, जो कि हमारे किचन में बेहद ही यूजफुल रहेगा। इसमें आपको अलग अलग टाइप्स की ब्लेड मिल जाती हैं, जिसे आप लगाकर वेजिटेबल्स को डाइस शेप में, स्पाइरल शेप में एंड स्लाइसेस में कट कर सकते हैं और अपने फूड को जल्दी से बना सकते हैं। इसे आप 500 रुपीज में बाई कर पाएंगे। केक लूजर नाइफ। दोस्तों, इस नाइफ की मदद से आप केक को केक रिंग में से इजीली रिमूव कर सकते हैं, जो कि अच्छे से अलग हो जाता है। सो गाइस, अगर आप भी केक बनाते हैं तो ये गैजेट आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, जिसे आप 150 रुपीज में खरीद सकते हैं। फ्रूट जूसर। दोस्तों, फ्रूट्स का जूस निकालने के लिए मैं लेकर आ गया हूँ छोटा सा मैनुअल जूसर। बस आपको इसमें कटे हुए फ्रूट्स को डाल लेना है और इसे बंद करके रोटेट करना है, जिससे कि सारा जूस नीचे कंटेनर में आ जाएगा और आप फ्रेश जूस का मजा ले सकते हैं। साथ ही आप इसमें लेमन या ऑरेंज जैसे फ्रूट्स का जूस भी निकाल सकते हैं। आप इसे 300 रुपीज में खरीद सकते हैं। व्हिप्ड क्रीम डिस्पेंसर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट गैजेट है ये अमेजिंग क्रीम डिस्पेंसर। बस इसमें आपको क्रीम को फिल कर लेना है और फिर इसमें अपनी पसंदीदा नोजल को लगा देना है और फिर इसे शेक करना है और उसके बाद आप क्रीम को इजीली निकाल सकते हैं और अपने फूड आइटम्स या केक के ऊपर डेकोर कर सकते हैं। जिप विस्क। दोस्तों, अब मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ ये बेहद यूजफुल विस्क। बस इसे आपको क्रीम या एग के ऊपर रख कर इसे पुश करना है, जो कि बहुत ही जल्दी फूड आइटम्स को अच्छे से फेंट देता है। ये हमारे किचन में काफी यूजफुल रहेगा, जिसे आप 200 रुपए में खरीद सकते हैं। सैलेड चॉपर। दोस्तों, सैलेड को जल्दी से चॉप करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इस चॉपर का। बस आपको बाउल में ग्रीन वेजिटेबल्स को रख लेना है और इस चॉपर से कुछ इस तरीके से कट करना है और कुछ ही सेकंड्स में सैलेड चॉप हो जाएगा। आप इसे 150 रुपीज में खरीद सकते हैं। कुकी कटर एंड स्टैम्प। दोस्तों, घर पर ही परफेक्टली कुकीज बनाने के लिए मैं लेकर आ गया हूँ ये कुकीज कटर, जिसमें आपको 6 अलग अलग स्टैम्प भी मिल जाती हैं। बस इसे आपको मैदे की लोई के ऊपर रख कर इसे प्रेस करना है, जिससे राउंड शेप में कुकीज कट हो जाएगी और उसके बाद आप कुकीज के ऊपर इससे डिजाइन कर सकते हैं। वेजिटेबल स्लाइजर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट गैजेट है ये वेजिटेबल स्लाइजर, जिससे आप वेजिटेबल्स को स्लाइसेस में कट कर सकते हैं। साथ ही इसकी प्लेट्स को बदल कर उसकी थिकनेस को भी कम ज्यादा कर सकते हैं और अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स को स्लाइसेस में कट कर पाएंगे।
जो कि बेहद ही यूजफुल गैजेट है हमारे किचन में। आप इसे 400 रुपीज में खरीद सकते हैं। मैरिनेटेड कैम्बर्ट। दोस्तों फूड आइटम्स को परफेक्टली मैरिनेट करने के लिए मैं लेकर आ गया हूँ कमाल का बॉक्स, जिसमें आपको फूड आइटम्स को डाल लेना है और फिर इसमें ऑयल को डाल लेना है और कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है, जिससे फूड आइटम्स अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और उसके बाद आप उसे इजीली निकाल सकते हैं और बचा हुआ फूड आइटम्स इसी बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं। ग्रेप्स कटर। दोस्तों ग्रेप्स या छोटे छोटे फ्रूट्स को 4 स्लाइसेस में कट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इस कटर का। बस इसमें ग्रेप्स को रख कर इसके हैंडल को प्रेस करना है और ग्रेप्स 4 स्लाइसेस में कट हो जाएंगे, जिसे आप बच्चों को दे सकते हैं। एंडलेस जूलियन कटर। दोस्तों वेजिटेबल्स को नूडल शेप में कट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इस कटर का। बस इसके हैंड गार्ड से वेजिटेबल्स को पकड़ना है और इसमें लगाकर वेजिटेबल्स को घुमाना है, जिससे कि वेजिटेबल्स नूडल शेप में कट होकर नीचे से आती रहेंगी और आप वेजिटेबल्स को सैलेड में या अपने फूड में डाल सकते हैं। फ्रूट स्कूप। दोस्तों नेक्स्ट गैजेट है ये अमेजिंग फ्रूट स्कूप। आप इसकी मदद से फ्रूट्स में से उसके छिलके को अलग कर सकते हैं और आप इससे मेलन बॉल भी बना सकते हैं, जो कि काफी अच्छा गैजेट है। वेजिटेबल ब्रश। दोस्तों कई वेजिटेबल्स हाथों से अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती, तो मैं लेकर आ गया हूँ ये अमेजिंग ब्रश, जिससे आप वेजिटेबल्स को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। सो गाइस, ये वेजिटेबल्स को क्लीन करने के लिए काफी अच्छा ब्रश है। राइस एंड ग्रेन डिस्पेंसर। दोस्तों नेक्स्ट गैजेट है ये अमेजिंग डिस्पेंसर, जिसमें आप 12 केजी तक के राइस को रख सकते हैं और आप इन्हें मेजर करके नीचे से इजीली निकाल सकते हैं। साथ ही आप इसमें चावल की क्वांटिटी को बाहर से ही देख सकते हैं। सो गाइस, ये ग्रेन एंड राइस को रखने के लिए काफी अच्छा कंटेनर है। वेजिटेबल कटर सेट। दोस्तों अगर आप भी सैलेड को अलग अलग डिजाइन में कट करना चाहते हैं, जो कि बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग लगे, तो आप इस कटर का यूज कर सकते हैं। इसे आपको वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के ऊपर रख कर उसे पुश करना है और उसके बाद आप उसे कट करके वेजिटेबल्स को अलग अलग डिजाइन में निकाल सकते हैं और बच्चों को सर्व कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।